गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। और अभी जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा, कारगिल में हमने नाइट में आके स्टे किया था, लेह से कारगिल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अभी मैं होटल से देखो बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये होटल से जस्ट बाहर का व्यू है सामने। ये कारगिल सिटी का व्यू है पूरा। ये अपना रूम और पैकिंग कर लिए अभी, और अब निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए। और रास्ते में वॉर मेमोरियल और जो भी कुछ आएगा देखने लायक वो देखेंगे। अभी देखो लैपटॉप वगैरह पूरे गैजेट्स बाहर पड़े हैं, इनको पैक करते हैं और निकलते हैं। ये कारगिल सिटी को क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये कारगिल सिटी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सवेरे का टाइम हो रहा है, 9:15 बज गए हैं। काफी भीड़ भाड़ भरा है कारगिल, और होटल के लिए भी कारगिल के अंदर आना पड़ा, बाईपास पे होटल नहीं थी। अब सीधा कारगिल वॉर मेमोरियल चलते हैं, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है श्रीनगर हाईवे पे। क्या ही प्यारे व्यू आ रहे हैं, और रात को बरसात भी हुई है तो उसकी वजह से नदी का बहाव भी तेज है। पास में नदी बह रही है, उसका बहाव भी तेज है। टूरिस्ट गाड़ियां आ रही हैं। ये रास्ते में द्रास वगैरह में रुके हुए थे, कहीं वो आ रहे हैं अभी। तो इधर ये आ गए भाई, वॉर मेमोरियल और पार्किंग सामने के आगे करें, इसमें कर दो। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, और इधर करेंगे इसको पार्क। पेड पार्किंग है, चलो अच्छी बात है। कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने ये एक ढाबा बना हुआ है पार्किंग में, यहाँ पे नाश्ता करते हैं चल के। क्या है नाश्ते में देखते हैं। ये आ गया हमारा छोला पूरी, अभी दो ही आए हैं, दो और आना बाकी है। करें शुरू, अपने तो गर्मा गर्म को तो बैठने दे रहे थे। वाह यार, शानदार है, गर्मा गर्म है ना। स्वाद कैसा है देखते हैं। ठीक ठीक है, कड़क हो गया। राजू भाई, बाबूलाल की नहीं है ये भी। ये है मेन एंट्रेंस कारगिल वॉर मेमोरियल। और ये कारगिल वॉर मेमोरियल है जो लेह श्रीनगर हाईवे पे, कारगिल से श्रीनगर की तरफ चलते हैं तो 50 किलोमीटर दूर है। और जब आप श्रीनगर साइड से आओ तो द्रास क्रॉस करते ही आएगा, ये मत सोचना कि कारगिल में ही होगा। ये अंदर से व्यू है कारगिल वॉर मेमोरियल के। ये शायद कोई प्लेन खड़ा है, ये प्लेन है, कोई फाइटर जेट है, प्लेन है ये, फाइटर जेट है ये। ये सामने अमर जवान जो मशाल है वो जल रही है नीचे, शायद कैमरे में दिख नहीं रही हो। और ऑपरेशन जो विजय था उसका ये द्वार बनाया हुआ है। ये 47 से अब तक के जो शहीद हुए हैं
उनके स्मारक बने हुए हैं यहाँ पे कारगिल में। आप यहाँ पे आके इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सभी का इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद नवंबर 2004 को भारतीय। आप अगर कारगिल वॉर मेमोरियल आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पे आराम से देना होगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है और हमारे देश को और भी करीब से जानने का मौका मिलता है। तो मैं नमन करता हूँ इन सभी शहीदों को और अब आगे बढ़ते हैं श्रीनगर की तरफ। यहाँ से जोजिला लगभग 40 किलोमीटर, बालटाल लगभग 47 किलोमीटर, सोनमर्ग 63 और श्रीनगर 150 किलोमीटर बचा है और द्रास सेक्टर में चल रहे हैं। ये है द्रास मार्केट। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ की जो बसावट है वो है, राइट हैंड साइड में हिल्स हैं और ये यहाँ का बाजार है मैन। ये देखो भाई रोड के साइड में बुग्याल के सुंदर नज़ारे, ये है यहाँ पे बुग्याल जहाँ पे बकरवाल वगैरह है ना, ये भेड़ बकरी चराने के लिए यहाँ आते हैं। गर्मी के मौसम में आ जाते हैं इधर और सर्दी में फिर वापस चले जाते हैं। और एक मेरे राइट साइड में झरना आ रहा है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत। और ये विलेज कौन सा है राजू? नाम आ रहा है अंग्रेजी में, पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जा रहा, लंबा नाम है। घर देखो यार कितने सुंदर बने हुए हैं और बर्फ के लिए इतने टेपर हैं कि ऊपर बर्फ रुके ही नहीं, सीधी नीचे। ओहो, वैसे एकांतवास के लिए ये जगह काफी अच्छी है, यहाँ पे ऐसी जगह पे रुक सकते हैं। विलेज पंद्रास, पीछे द्रास था ये पंद्रास हो गया। और सामने का देखो व्यू, हालांकि लेह मनाली जिस हाईवे से मनाली की तरफ से हम आ रहे हैं वहां पे तो खैर और भी ज्यादा बर्फ थी, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे तो देखना, बाराला चाला नकीला तंगलंगला, ये पास जो क्रॉस करे ना स्विफ्ट से, यार वास्तव में चैलेंजिंग था लेकिन हमारी स्विफ्ट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। देखो बाइकर्स का ग्रुप आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, क्या मस्त लग रहा है। कोई एंट्री के लिए चेक पोस्ट है जोजिला में एंटर करने से पहले, यहाँ से जोजिला की चढ़ाई स्टार्ट है। हाँ जी सर, जाए जोजिला टॉप है 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर तक अब कंटिन्यू ये चढ़ाई है। दोस्तों नीचे से राइट हैंड साइड में अगर दिख रहा हो तो जोजिला टनल है, यहाँ बन रहा है ये जोजिला टनल, यहाँ से स्टार्ट है ये जोजिला टनल का बेस है यहाँ पे। ये जो मलबा बाहर दिख रहा है कचरा पहाड़ का, ये टनल अंदर से टनलिंग करके ही बाहर लाया गया है। और नीचे अगर दिख रही हो जस्ट सामने तो जोजिला टनल का छोटा सा मुंह दिख रहा है यहाँ से। एक बार इस ट्रक को क्रॉस करो क्या, कर ले कुछ नहीं यार। देखो सफेद बर्फ की चादरें और जोजिला टॉप से तो बहुत पहले हैं और हरियाली भी साथ में। चरवाहे अपना सामान देखो कैसे गधे पे खच्चर पे इन पे लाद के लाते हैं और इनके पीछे पीछे इनकी भेड़ बकरियां आ रही हैं। ये इसको नींद आ रही है क्या इसी के ऊपर? ये तो घोड़े के ऊपर ही सो रहा है। और ये देखो पीछे इनकी भेड़ बकरियां आ रही हैं, ये घोड़े खच्चर गधे ये साथ रखते हैं ताकि अपना सामान इधर से उधर ले जाने में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या खाक रोड मेंटेन होगी, देखो पहाड़ों से कैसे पानी गिर रहा है। अभी रोड पे आता है फिर रोड टूट जाती है, हालांकि नाली बना रखी है, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी तब तक ये रोड सही मेंटेन हो नहीं सकती। जगह जगह जन्ने, वैसे बारालाचाला और उसके आगे की जो सड़कें हैं ना उनसे तो अच्छी है ये, थोड़ी भी है। हाँ डबल है पूरी, दोनों साइड से गाड़ियों की आवाजाही है यहाँ पे, वहाँ तो ओडी1 चल रहा है अभी भी।
यहाँ दोनों साइड से चल रहा है। देखो रोड पे कितना पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक की रोड होने की वजह से है ना, टूट नहीं रही। अगर डामर की रोड होती ना तो ये टूट जाती अब तक। वो देखो ये बर्फ टूट के भी गिरी हुई है साइड। ये गाड़ी वाला जा रहा है, दिखोएगा दिखोएगा, आराम से ले लगा जा आराम से। बर्फ की दीवार देखो पास में, ये मेल्ट हो के आ रही है। ओहो ये बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। ये यहाँ आ गए भाई, जोजिला वार मेमोरियल। यहाँ पे जोजिला वार मेमोरियल बना हुआ है। कुछ समय चाहिए तो यहाँ रुक सकते हैं, रोकते हैं एक बार हम भी साइड में थोड़ा आगे लेके, पार्किंग में रोकेंगे। ये पहुँच के दोस्तों जोजिला वॉर मेमोरियल, और ये अपनी स्विफ्ट एक ही नंबर परफॉर्म कर रही है। और यहाँ के देखो नज़ारे, लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। और एक बार वॉर मेमोरियल की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे लड़ाकू वाहन खड़े हुए हैं। ये गुमरी है, गुमरी। ये है जोजिला वॉर मेमोरियल। बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं नॉर्मल। ये देखो क्या ही सुंदर है। ये एक आर्मी सेना के जो भैया हैं वो बैठे हुए हैं। ऊपर मंदिर है, और यहाँ से देखो कितना सुंदर ये पानी का नज़ारा है, कितना सुंदर नदी बह रही है। ये देखो यहाँ पे ये टैंक खड़ा हुआ है, बैटल ऑफ जोजिला। जोजिला में भी बैटल हुआ था क्या, मुझे पता ही नहीं था इसका। जोजिला पास, गुमरी, क्या क्या दे रखा है, MMG हिल, और ये टैंक था जिसने युद्ध में भूमिका निभाई है। बैटल ऑफ जोजिला क्या था ये देख लो आप। इसको पोज करके पढ़ लेना, और पास से दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री है बैटल ऑफ जोजिला की। कौन कौन सी बटालियन थी। और अभी चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर, वहाँ के चल के दर्शन करते हैं मंदिर किसका, किस भगवान का है, किस गॉड को डेडिकेटेड है, वो भी देखेंगे। हेलो, कौन सा चैनल आपका। सुगीत मुसाफिर। सुगीत मुसाफिर जी सर, ये मंदिर किसका है, कौन से भगवान का। मुझे भी पता नहीं है कहाँ से है। हम तो गुजरात से आए। गुजरात से, गुजरात में कहाँ से। अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए हो, अरे वाह। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। जयपुर से। हाँ आओ देखते हैं। मंदिर किस भगवान का है ये, शायद भोले बाबा का मंदिर है क्या ये। भाई भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ आओ तो ज़रूर दर्शन करना। मैं भी अभी दर्शन करता हूँ और फिर मिलता हूँ। और यहाँ से देखो नीचे के व्यू, ये राजू ने दर्शन कर लिए। ये देखो अपनी स्विफ्ट देखो नीचे खड़ी है वहाँ पे। लो जी निकल गए हैं जोजिला वॉर म्यूजियम से, और बढ़ते हैं आगे, घुमरी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई जोजिला वॉर हुई थी उसकी डिटेल्स वगैरह थी, एक भोले बाबा का मंदिर था, दर्शन किए। और अब आगे टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे ये क्या लगा रखा है यहाँ पे, वही है सुरंग के लिए। अच्छा टनल के लिए इधर से भी है।
इधर से क्या है नीचे से मेटेरियल उठाते हैं डायरेक्ट इधर डालते जाते हैं। और अपने नीचे से रही होटल है? हाँ इधर से नीचे से जा रही। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक काम करे। अच्छा जोजिला टनल? नहीं यार ये जोजिला टनल का एक मुंह यहाँ खुलेगा शायद है ना? नहीं खुलेगा गुरु, ये क्या है नीचे से मटेरियल है ना लंबा पड़ रहा है तो यहाँ इसे निकाल के इधर डाल रहे हैं। अच्छा देखो जी सामने की पहाड़ियों के व्यू, यार ये भी नज़ारा कम नहीं है भाई, बहुत खूबसूरत है। हिमालय कहीं कहीं पे रुद्र रूप दिखाता है, कहीं पे सुंदर रूप दिखाता है। यहाँ एक ही मिनट में व्यू चेंज हो रहा है। बरसात आ गई देख सामने। यार स्नोफॉल हो जाए ना मजा आ जाए यार। ये लो जी जोजिला टॉप, हम पहुंच गए जोजिला टॉप पे। ये हमारी स्विफ्ट ने एक और हाई माउंटेन पास क्रॉस कर लिया जोजिला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विजयाक। गाड़ी को वाहन लगाते हैं फिर फोटो बनाते हैं। ये है भाई जोजिला टॉप। एल्टीट्यूड 11,649 फीट। एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, एलिवेशन तो इतना ज़्यादा है नहीं। कोई गाड़ियाँ आए उससे पहले मैं अपनी गाड़ी को यहाँ लगाता हूँ, वहाँ लगाऊंगा गाड़ी को। ये लो भाई आई लव जोजिला पहुंच गए। एक बार गाड़ी को साइड में खड़ी करता हूँ यार, ये लोग मानेंगे नहीं। ये पहुंच गई अपनी स्विफ्ट जोजिला टॉप पे, और जोजिला टॉप का एलिवेशन है 11,649 फीट। और यहाँ पे देखो आई लव जोजिला, ये है जोजिला। लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। ये यहाँ पे आगे देखो स्नो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे इनका भी एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से स्नोफॉल होने वाला है ऊपर पहाड़ों पे, तो हो रहा है ऊंचाई पे तो स्नोफॉल हो रहा है इस समय। और देखो बरसात शुरू हो गई, मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए। यहाँ ऊपर चल के एक बार दिखा देता हूँ फिर उसके बाद में वापस। यहाँ कब बरसात तेज हो जाए स्नोफॉल हो जाए कोई पता नहीं है। ये जोजिला का है, ये देखो एक बार नज़ारा। और ब्रदर भाई भाई स्नोफॉल हो रहा है यार, कहाँ से हो आप? श्रीनगर से। श्रीनगर से हैं भाई ने गांधरबल। और यहाँ चाय वगैरह की चाय वगैरह बेचते हैं। जॉब नहीं मिला क्या करूँगा, पढ़ा लिखा बीमार है या क्या करूँगा। ये देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई यार, किस्मत है देखो भाई। जोजिला टॉप पे स्नोफॉल की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन किस्मत ने साथ दिया और स्नोफॉल देखने को मिल गया यहाँ पे। और अभी रुकेंगे और अगर ज़्यादा तेज होता है तो आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी अच्छे व्यू हैं भाई यहाँ के, खूब एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आके। देखो सामने बर्फ़ के जो ग्लेशियर बने हुए हैं ना उन पे लोग स्नो एक्टिविटीज़ का एंजॉय कर रहे हैं। जोजिला पे खूब मौज मस्ती करी और अब आगे बढ़ते हैं सोनमर्ग की तरफ। स्नोफॉल हुई लेकिन हुई थोड़ी कम, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई। हाय हाय क्या मस्त मौसम है। और ये JKSRTC की बस। ये खुल गया जाम और निकल रहे हैं आगे। जोजिला टॉप के नज़ारे देख लो भाई, साइड में स्नो भी खूब है। ये यहाँ पे ये बर्फ मेल्ट होके आती है ना तब तक ये ऐसे ही रहेगा ना यार। ये यहाँ पे भी ओवरटेक कर रहा है, थोड़ा तो देखो रे यार भाई। सामने अगर दिख रहा हो तो लोग स्नो एक्टिविटी कर रहे हैं। यहां से नीचे हो रही है स्नो एक्टिविटीज, लोग ले रहे हैं मजा मौसम का। और हम तो अब सीधा बढ़ते हैं आगे। देखो नीचे खूब एक्टिविटी हो रही है। रुकना है क्या भाई? वेल रुकना है क्या? हाँ चलो अभी रोकता हूँ, जगह देख के तो रोकूँ, यहाँ तो बहुत भीड़ है।
ये लो एक और ग्लेशियर, 50 फीट से भी ज्यादा ऊंची स्नो, और इस स्नो काटने वाली मशीन को भी साइड में ही कर रखा है। ये ग्लेशियर कब नीचे आए, नीचे आते इसको उठा के साइड में। क्या हो रहा है, गाड़ी वाले रोक रहे हैं जगह जगह। अरे आगे जाओ, और भी ज्यादा है भाई, यहाँ मत रुको। ये नीचे उतार रहा है गाड़ी को, इधर रास्ता नीचे बर्फ से, बर्फ को काट के बना रखा है ना वहां जाने के लिए। देख लिया ना गाड़ी कैसे चलाते हैं लोकल लोग, थोड़ा सा इनसे बच के गाड़ी चलाएं, सावधानी बरतें। और ये किन्नौर वैली का सा नजारा, और सामने देखो झरना कहाँ से आ रहा है, कितनी ऊपर से झरना आ रहा है। ये कहीं ये पहुंच गए लगभग सोनमर्ग, बड़ा जाम था यार सोनमर्ग से पहले। सोनमर्ग भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। ये लो जी सोनमर्ग में भारतीय सेना ने स्वागत कर दिया, और ये है यहाँ पे जो मेन लोग घूमने के लिए आते हैं वो आगे बुग्याल वगैरह है। यहाँ पे एक थाजीवाज ग्लेशियर है, उसके लिए थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, या फिर ये घोड़े वगैरह लेके भी आप जा सकते हैं। और ये घोड़े के ऊपर लेके गए थे, ग्लेशियर ग्लेशियर कर रहे हैं ना ये। अरे साइड में करो इसको, ये देखो लोग ग्लेशियर पे जाके आ रहे हैं घोड़ों पे। थाजीवाज ग्लेशियर पे जाते हैं लोग इनमें बैठ के। दोस्तों पहुंच गए हैं श्रीनगर, और टाइम हो रहा है शाम के 6, और हमने श्रीनगर आके होटल लिया है डल गेट पे। होटल का व्यू मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये हमारा रूम है, और सुबह हम निकले थे कारगिल से, जोजिला पास वगैरह रास्ते में खूब एंजॉय किया, और होटल वही न्यू रेडडॉन जो हमने दिसंबर में लिया था। मैं दिसंबर में भी श्रीनगर आया था, तो उस समय हमने यही होटल लिया था जहाँ पे हम 5 दिन रुके थे। अगर वो श्रीनगर वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे की जो जर्नी रहेगी उसकी के लिए आप आगे के वीडियो जो हैं वो आते रहेंगे, आप देखते रहना। और अभी फ़िलहाल आप सभी से यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।